तस्वीर साफ हो गई है कि लोकसभा की कन्नौज सीट के उपचुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जगह उनकी पत्नी डिंपल यादव ही सपा उम्मीदवार होंगी। बता दें कि संसदीय बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने एक मत से डिंपल को कन्नौज से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। बैठक में काफी विचार विमर्श के बाद डिंपल के नाम पर सहमति बनी है कि जिस सीट से अखिलेश जी ने त्याग पत्र दिया है उस पर डिंपल को चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव ही होंगी। गौरतलब है कि कन्नौज में अखिलेश यादव के त्यागपत्र देने के कारण ये सीट खाली हुई है। अखिलेश यहाँ से सांसद थे पर मुख्यमंत्री बन जाने के कारण उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। डिंपल राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं है लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की थी। इससे पहले डिंपल ने 2009 में फिरोजाबाद से उपचुनाव लड़ा था जिसमें उनकी हार हुई थी। ये डिंपल की दूसरी पारी है यानी कि सियासत के एक और चेहरे की दोबारा एंट्री होने जा रही है। लखनऊ से इमरान अहमद के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।